बहुत ही 100 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है हमारा। श्री महंत बाबा हाथीराम पैजामा रामलीला कमेटी से हम सुबह शाम दोनों टाइम पूजा आरती करते हैं, शाम को भगवान जी को गाते हैं और बहुत आनंद और खुशी मिलती है पूजा पाठ करने से। दोनों चौकियों का कंपटीशन होता है जी, दोनों चौकी का कंपटीशन होता है और दोनों जोरदार रहती है, पर क्योंकि हम पैजामा रामलीला कमेटी से हैं तो हम अपनी जी दोनों श्रृंगार होता है और इस बार तो बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ। पहले वाली मात्रा में इस बार पैजामा रामलीला कमेटी ने बहुत अच्छा श्रृंगार किया। आप नोटिस करेंगे कि हमारी चौकी इस बार और भगवान हमारे सबसे बेस्ट दिख रहे हैं। जी हर साल इंतज़ार करते हैं, ये 10 दिन का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और सुबह भोर से उठती है और शाम को 5 बजे के बाद उठती है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और अच्छी सजावट भी रहती है। देखिए प्रयागराज के दशहरा उत्सव में ये भोर की जो श्रृंगार चौकियां हैं इनका बहुत ही महत्व है। ये इसके श्रृंगार पक्ष को एकदम दर्शाती हैं, श्रद्धा से श्रृंगार के की यात्रा को दिखाती हैं, किस तरह से श्रद्धालु श्रृंगार करके अपने भगवान को दर्शाते हैं। यहाँ पे जो एक कोतवाली है चौक में प्रयागराज में, यहाँ पे प्रतिदिन तृतीया से लेके नौमी तक श्रृंगार करके अगले दिन सुबह सुबह ये चौकियाँ आती हैं। आज जैसे यहाँ पे पत्थरचट्टी कमेटी की कृष्णनंदी रथ और पजावा की तितली उसमें सजी हुई पोत की चौकी बहुत ही सुंदर तरीके से, इसमें भगवान का श्रृंगार भी इस तरह से किया जाता है कि यह देखने में अद्वितीय रहता है और बड़ी संख्या में दर्शक आके यहाँ देखते हैं। ये एक अलग ही अनुभव है जो कि इस दशहरे को अद्वितीय बनाते हैं। ये सुबह लगभग 4-4:30 बजे से यहाँ पे माहौल बन जाता है और लोग इन भगवान के दर्शन करने के लिए उसको आके खड़े हो जाते हैं और बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में लोग आते हैं इसको दर्शन करने के लिए। मैं अमित मालवी।